भी होम रेमेडी ऐसे इस्तेमाल ना करो कि आपने यूट्यूब से कुछ देखा, किसी से कुछ पूछा और अपनी आंखों में लगा लिया। इससे आपको इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ सकता है, केराटाइटिस हो सकता है, जिसमें आपकी कॉर्निया डैमेज हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि कुछ भी आंखों में इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट जरूर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इस चैनल पर हम आपके साथ में आई हेल्थ, आई मेकअप, आई सीरीज से रिलेटेड सारी वीडियोस, सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं कौन सी होम रेमेडीज आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है। जैसे कि लोग खीरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, खीरा हमारी आईज के लिए अच्छा है लेकिन इन्फेक्शन में नहीं। जब हमारी आंखों में नॉर्मली थकान है, स्वेलिंग है, तो आप खीरा रख सकते हो, इससे आपकी आंखें फ्रेश हो जाती हैं। लेकिन इन्फेक्शन हुआ है और आप उसमें अगर आप खीरा रखोगे आईज को बंद करके, तो इन्फेक्शन और बढ़ेगा। तो ऐसे में खीरे का इस्तेमाल, आलू का इस्तेमाल या कोई भी होम रेमेडी ना इस्तेमाल करें। सबसे बेटर ऑप्शन है कि जैसे ही आपको इन्फेक्शन हुआ है, आप अपने आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करो और प्रॉपर ट्रीटमेंट लो। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन भी रखो, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। इसके अलावा आप कुछ चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हो, बेसिक जो हमारे घर में पाई जाती हैं, जो आपकी आई हेल्थ के लिए अच्छी रहेंगी और आपके इन्फेक्शन को भी नहीं बढ़ाएंगे। आइए जान लेते हैं वो क्या। आई फ्लू होने पर आप ठंडा सेक ले सकते हो। इसके लिए मार्केट में आई जेल मिलता है। आई जेल को फ्रिज में रखना है और उसके बाद में ठंडी सेकाई करनी है इसे। इसके अलावा अगर आप परचेज़ नहीं करना चाहते या टाइम नहीं है, तो आप बेसिकली आइस ले सकते हो, उसको किसी कपड़े में डिप करके उससे सिकाई कर सकते हो। इससे आपको इन्फेक्शन में आराम मिलेगा। इसके अलावा जल्दी रिकवरी के लिए आप हल्दी का दूध पी सकते हो। हल्दी का दूध पीने से आपका जो इन्फेक्शन है वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। हल्दी का दूध पीने से हमारा जो इन्फेक्शन है वो सेल्स जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखो, अपनी आईज का ध्यान रखो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।